हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं टेक्नोक्रेट साहब की यूट्यूब चैनल टेक दोस्त की। दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे आज के कुछ खास टेक अपडेट्स के बारे में। आइए टेक डोज लेते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला टेक डोज है वो अपने स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से निकल के आता है, जहाँ पर इसरो के चेयरमैन के सिवान ने ये अनाउंस किया है कि अगले साल एक स्मॉल व्हीकल को असेंबल करने वाले हैं इनोवेटिव तरीके से, जिसका नाम SSLV होगा। और इस SSLV के लॉन्च के पीछे की खास बात यह होगी कि इसे 60 दिन के बजाय 3 दिन में बनाया जाएगा इनोवेटिव तरीके से, और सिर्फ 6 लोग इसे मिलकर बनाएंगे बजाय 600 के। तो ये दोस्तों कथन इसरो के चेयरमैन के सिवान ने कही है। अब ये देखते हैं कि किस टाइप की छोटी गाड़ी होने वाली है, किस टाइप की SSLV लॉन्च होने वाली है। अब यदि दोस्तों अपने अगले टेक डोज की ओर बढ़े तो यहाँ दोस्तों इसरो के चेयरमैन यानी के सिवान सर ने ये भी कहा है चंद्रयान 2 के बारे में कि अगले साल 3 जनवरी से 16 फरवरी के बीच में, यानी कि 2019 की बात हो रही है, तब जाके चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जाएगा, जो कि अभी अप्रैल 2018 में होने वाला था, फिर उसे बाद में पोस्टपोन करके मई 2018 में कर दिया गया। अब दोस्तों फिर से ये कथन आ रही है कि अब इसे अगले साल किया जाएगा। अब देखना यह है कि चंद्रयान 2 को इतना डिले क्यों किया जा रहा है और फाइनली ये कब लॉन्च होने वाला है। अब दोस्तों अपने अगले टेक डोज की ओर बढ़ते हैं। अगला टेक डोज दोस्तों सोनी को लेकर। आप सभी दोस्तों ये सभी जानते हैं कि सोनी का भी कोई फोन जो है लॉन्च नहीं हो रहा है। कई समय से हम लोग सोनी के फोन का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों भी आपको बता दूं कि सोनी के ट्विटर अकाउंट से एक टीजर लॉन्च हुआ, जहां दोस्तों एक्सप्रिया उसके नीचे 30/8/2018 का एक डेट दिया जा रहा है, जिससे एक्सपेक्ट लोग कर रहे हैं। कई सारे न्यूज वेबसाइट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोनी बहुत जल्दी 30 तारीख को कोई नया फोन जो है शो करने वाली है, लॉन्च करेगी। अभी देखना ये है कि सोनी क्या उस दिन करने वाली है। तो आइए वेट करते हैं कि 30 को वो कौन सा फोन या फिर कुछ कमाल दिखाने वाली है। तो अब दोस्तों इंतजार है परसों का, जब आपको पता चलेगा कि सोनी आखिर 30 अगस्त 2018 को क्या लॉन्च करने वाली है, क्या दिखाना चाहती है आपको इस टीजर के माध्यम से। तो अब दोस्तों अपने अगले टेक डोज के बढ़ते, जहां दोस्तों रियलमी 2 को लेकर आता है। तो रियलमी 2 दोस्तों फाइनली लॉन्च हो चुका है न्यू दिल्ली के एक इवेंट शो में कल, और 4 सितंबर 2018 से फ्लिपकार्ट में इसका सेल जो है अवेलेबल है, जहां आपको दोस्तों दो वेरिएंट मिलते हैं, 3GB रैम वाला और 4GB रैम वाला, यानी कि एक लगभग 9000 और दूसरा लगभग 11000 के रेंज में आपको मिलता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि आपको पहला ही ऐसा फोन मिलेगा जहां 10000 के अंदर आपको नॉच वाला डिस्प्ले मिल रहा है, साथ में फेस अनलॉक वाला डिवाइस मिल रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको ये बता दूं कि कल यानी कि 30 तारीख को फ्लिपकार्ट में नोकिया 6.1 प्लस का सेल लगने वाला है, और यदि आप 6.1 प्लस को परचेस करना चाहते हैं तो पक्का 12 बजे दोस्तों उससे पहले ही आप एक्टिव हो जाए ताकि आपसे परचेस कर सकें। अब दोस्तों एक एक्सपो के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि दोस्तों इसरो की तरफ से निकल के आ रहा है कि 6 से 8 सितंबर तक बैंगलोर में स्पेस एक्सपो हो रहा है, जिसमें दोस्तों कई सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस एक्सपो में दोस्तों लगभग 16 इसरो सेंटर, 85 एग्जीबिटर्स, 56 स्पीकर और 600 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों आखिर इस स्पेस एक्सपो में यानी कि जो बैंगलोर में होने वाला है, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है और इससे रिलेटेड क्या क्या खबर निकलकर सामने आती है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ खास टेक डोज। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा होगा और आज के दिन आपको कुछ खास टेक अपडेट्स मिले होंगे। और इसी प्रकार के दोस्तों कुछ खास टेक अपडेट्स डिफेंस से रिलेटेड, स्पेस एजेंसी से रिलेटेड, टेलीकॉम से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर पाना चाहते हैं दोस्तों, तो इस चैनल को यानी कि टेक्नोक्रेट सावजी को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो को पसंद आई होगी, तो इसे किसी अपने अन्य दोस्त के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस अपडेट्स के बारे में पता चले। और दोस्तों एक खास निवेदन है आपसे कि दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि दोस्तों मेरी मेहनत आप तक पहुंच सके और आपको सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।